चार चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। कौन कितना धैर्यवान है, जीवन में घनघोर आपत्ति आ जाए लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता है वो धर्मात्मा है। धैर्य नितांत आवश्यक। आजकल लोग परेशान हो जाते हैं थोड़ी सी आपत्ति से, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग ज्यादा ही वो परेशान होते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, कई दूसरों को मार देते हैं। आपत्ति काल में धैर्य होना चाहिए, धीरज, धर्म। धर्म यदि हमारे पास रहेगा आपत्ति के समय तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म जितनी रक्षा करता है साहब, शास्त्रों में कहा धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रुर, यतो धर्मस्ततो जयः। व्याधि नाश होती है, रोग नाश होते हैं धार्मिक धर्म में जुड़ने से। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण ग्रह, ये शनि राहु केतु ये सब ठंडे पड़ जाते हैं और शत्रु अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जहां धर्म है वहीं जय है। धीरज, धर्म, मित्र, कौन किसका मित्र है उसका पता आपत्ति में लगता है। और नारी, पति बहुत कमाता हो, नारी सेवा करे, क्या बड़ी बात है, लेकिन पति न कमा सके, उसके पति के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, उस समय जो उसका साथ दे ऐसी नारी दिव्य है। सीता, चार प्रकार की पतिव्रताएं हमारे यहां बताई, और नारी का एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन जग पतिव्रता चार विधियाई, वेद पुराण। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही उसका नियम है, मन से, वचन से, कर्म से पति की सेवा करें।